गाइस, हेलो इंडिया, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस वीडियो में आपको कवर करने वाली हूँ बेंगुरियन जी की ग्रेव। बेंगुरियन जी, आपने सोचा है मैं क्यों बेंगुरियन जी के आसपास घूम रही हूँ? क्योंकि बेंगुरियन जी का इस प्लेस से काफ़ी अच्छा नाता था। जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से बोलो रिटायरमेंट हुआ उनका, तभी उन्होंने सदीपुक में अपने नाम का काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई। लाइक उन्होंने BGU यूनिवर्सिटी बनवाई, BGU पार्क बनवाया, और इवन यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस उनकी ग्रेव के नाम से फेमस है यहाँ पर, बेंगुरियन क्लिफ्स। तो आज मैं उसी का एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं और फिर मैं बताती हूँ। और आपको पता है क्यों वो इस प्लेस को इतना पसंद करते थे? जब एक स्टोरी सुनाती हूँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ऐसे ही विज़िट पे निकले इसराइल की। जब इस विज़िट पे निकले, काफ़ी प्लेसेस उन्हें विज़िट करी, बट जब वो इस प्लेस से निकले तो उन्हें एक चीज़ बहुत पसंद आई। जब वो इस प्लेस से निकले तो उन्हें क्या पसंद आया, लेट्स सी, मैं दिखाती हूँ, तब आपको भी पसंद आएगा वो चीज़, फिर आप बताना। उन्हें एक चीज़ इतनी पसंद आई, चलो चलते हैं, उन्हें क्या पसंद आया वो दिखाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर क्या देखा, तो उनका इस प्लेस पर इतना दिल आ गया कि उन्होंने यहाँ पर रहने का सोचा। सी, उन्होंने यहाँ पर ये क्लिफ्स देखी, जो हमारे यहाँ पे हम इसको वादियाँ कहते हैं, बट इनकी लैंग्वेज में वो क्लिफ्स है। कितनी प्यारी क्लिफ्स है, देखिए। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे भी इतनी प्यारी लगी थी ये क्लिफ्स, बहुत अच्छी। एंड दिस इज अ वे ऑफ द ग्रेव ऑफ बेंगुरियन। सी, आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे आए हैं आज देखने के लिए। और ये प्लेस देखिए आप, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, तो नॉर्मली पीपल आते रहते हैं। और ये प्लेस एक सिटिंग प्लेस है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं बैठ के, उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए इस प्लेस को ऐसा बनाया हुआ है। और ये ड्राई प्लेस है तो पत्थर तो बहुत मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं, पर पत्थर से इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे दो ग्रेव्स हैं, तो यहाँ पे ग्रेव बेंगुरियन जी की ग्रेव, दिस वन इज बेंगुरियन ग्रेव, एंड दिस इज हिज वाइफ ग्रेव पॉला ग्रेव। और उसमें मेंशन भी किया हुआ है कितना सन। और आप ये पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जैसे अपने यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, इनके यहाँ पर ये स्टोन चढ़ाते हैं। दोनों ग्रेव पर आप देख रहे हैं ये स्टोन रखे हुए हैं। मैं पूरा व्यू आपको दिखा देती हूँ। दिस इज सच अ नाइस प्लेस। और ये प्लेस पूरे टाइम टूरिस्ट से भरा रहता है, चारों ओर आपको टूरिस्ट मिलेंगे। दिखाती हूँ, देखिए क्लिफ्स कितनी सुंदर है। ये क्लिफ्स, उनको ये प्लेस इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने जीवन के लास्ट एंड के 20 ईयर्स यहीं पे बिताए, तभी उन्होंने इस प्लेस पे अपना घर बनवाया। और फिर उस घर को भी उन्होंने एक पब्लिक म्यूजियम बना दिया, ताकि ये प्लेस एक टूरिस्ट प्लेस बन सके। क्या आपको पता है उनकी लास्ट विश क्या थी? उनकी लास्ट विश यही थी कि हार्ट ऑफ द नेगेव डेजर्ट, दिस प्लेस इज़ अ हार्ट ऑफ नेगेव डेजर्ट, यहाँ पर उनकी
उनकी ग्रेव बनाई जाए और वो भी उनकी वाइफ के साथ, तभी ये प्लेस फेमस हो गई उनकी ग्रेव साइट से। ये रास्ता है नीचे जाने का, वहाँ से दूर से जाके वो रास्ता टर्न होता है, फिर यहाँ से आके वहाँ नीचे टेलीस्कोप लगा हुआ है, वहाँ से नीचे देख सकते हैं। ये काफ़ी दूर नीचे तक जाता है ये रास्ता, वहाँ नीचे भी टूरिस्ट प्लेस है नेशनल पार्क, तो ये पूरी प्लेस बनाई टूरिस्ट के लिए है। बेंगुरियन ग्रेव, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करना, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।